जो लोग भी अपराधी हैं या अपराध हैं, अपराध या अपराधी से हम लोगों को या अम्बे को खाकर कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन इस देश में कानून है और अगर अपराध का खात्मा होना चाहिए तो उसके लिए कानून और संविधान है, कोर्ट है, इसके ज़रिए होता है। हमने इस देश में देखा है कि प्रधानमंत्री की भी हत्यारों का ट्रायल हुआ और सज़ा मिली, और यूपी में जो हुआ अगर आप देखें तो ये अतीक जी का जनाजा नहीं बल्कि ये जनाजा जो था कानून का जनाजा जो है वो निकला है। हम आपको फिर भी क्लियर करते हैं, चाहे अतीक हो या उनके परिवार हो, ठीक है हत्यारा हत्यारा होता है, कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार से अगर कोई हत्या करता है कस्टडी में तो सवाल तो उठने लाजमी है। और इस तरह का लग रहा था कि एकदम स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड क्या कह रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं ना भाई, ठीक है अपराध अपराधियों का खात्मा होना चाहिए, उसके लिए तरीका है ना भाई, ये कोई तरीका थोड़ी है। योगी मॉडल की बात हो रही है, यहाँ भी योगी मॉडल आना चाहिए, यहाँ भी गाड़ी पलटनी चाहिए, यहाँ भी योगी मॉडल की बात हो रही है, बिहार में भी। कौन बात कर रहा है? बीजेपी लगातार कह रही है कि बिहार में भी योगी मॉडल होना चाहिए। कौन? बीजेपी के लोग? जी पहले क्या चल रहा था यहाँ, पहले बताइए ना, बीजेपी का नेता कौन है बिहार में कितने साल से? बीजेपी का एक नेता बता दीजिए। ये सब मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही है, असल बात जो सतपाल मलिक जी ने कहा इस पे हम चाहेंगे कि मीडिया के लोगों को गौर जो है फरमाना चाहिए, इस पे इस एजेंडा के तहत बात होनी चाहिए। खड़गे जी को पहले भी आप जान ही रहे हैं, जब ये जातीय जनगणना की मांग थी तो सभी दलों को हमने लिखा था और ये मांग की थी कि ये जातीय जनगणना जो है पूरे देश में होनी चाहिए, तो अगर हो रही बात उन्होंने रखी है तो अच्छी बात है, लेकिन हर जगह होनी चाहिए।